हेलो एवरीवन। तो गाइस, मैं हूँ मंजू और मंजू की रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए गणेश चतुर्थी स्पेशल मलाई लड्डू की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी है, माउथ वाटरिंग है। आपके मुंह में जाते ही ये घुल जाएंगे, इतने ज़्यादा ये सॉफ्ट बनते हैं। अगर आपने एक बार इन लड्डू को बना लिया तो आप कभी भी बाजार से लड्डू नहीं खरीदेंगे, इतने ज़्यादा टेस्टी ये बनते हैं और इन्हें बनाना बहुत आसान है। बहुत कम सामग्री के साथ ये बनते हैं। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, इस गणेश चतुर्थी पर आप इन लड्डू को ज़रूर बनाएं और गणेश चतुर्थी को ज़रूर भोग लगाएं। गणेश चतुर्थी पर गणेश जी को ज़रूर भोग लगाएं, उन्हें भी ये बहुत पसंद आएंगे। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोज़ को लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलिए फ्रेंड, फिर आसान डिलीशियस सुपर सॉफ्ट मलाई लड्डू की रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम रखेंगे एक कढ़ाई, आप चाहें तो या फ्राई पैन का भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे 1.5 कप छेना, ये 1.5 लीटर दूध का छेना है। तो आप देख सकते हैं इस तरह का बिखरा बिखरा ये छेना है, ये मैंने एक दिन पहले ही बनाकर तैयार कर लिया था। 1.5 लीटर दूध में आप नींबू का रस डालकर उसे फाड़ लें, इस तरह से आप छेना तैयार हो जाएगा। अब हम इसमें डालेंगे 1 कप दूध, दूध आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, पहले से उबला हुआ या फिर कच्चा, जो भी आपके पास दूध हो, फुल फैट मिल्क हो या फिर नॉर्मल दूध हो, कुछ कोई भी आप दूध यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने लिया है 1/2 कप मिल्क पाउडर, कोई भी ब्रांड का आप मिल्क पाउडर ले सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ 1/2 कप मावे का यूज़ कर सकते हैं या फिर 1/2 लीटर दूध को गाढ़ा करके भी यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मिल्क पाउडर हम इसमें डाल दिया है। अब 1/4 कप इसमें हम डालेंगे चीनी, चीनी आप इसमें कम ही डालें, क्योंकि ज़्यादा चीनी अगर आप डाल देंगे तो फिर मलाई लड्डू का इसमें अच्छा सा टेस्ट नहीं आएगा, तो चीनी इसमें कम पड़ती है। तो अब सभी चीज़ों को हमें डालकर इसमें अच्छे से मिक्स करना है। फ्रेंड्स, अभी ध्यान रखें, हमने गैस की फ्लेम को ऑन नहीं किया है, बंद फ्लेम पर ही हमें सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने सभी चीज़ों को इसमें अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब गैस की फ्लेम को हम चालू कर देते हैं। गैस की फ्लेम को चालू करने के बाद इसे बिल्कुल कंटिन्यूसली आप हिलाते रहें, बिल्कुल भी इसे ना छोड़ें, क्योंकि ये तले में बहुत जल्दी से लग जाता है, फिर इसका टेस्ट बिल्कुल अच्छा नहीं आया। तो इसे कंटिन्यूसली आप हिलाते रहें, बिल्कुल भी इसे ना छोड़ें। तो ये देखिए फ्रेंड्स, कितना अच्छा इसमें उबाल आ चुका है, लगभग 15 से 20 मिनट इसको कुक होने में लग जाते हैं। आप इसको स्लो फ्लेम पर पकाएं, आप चाहें तो इसकी फ्लेम को मीडियम कर सकते हैं, लेकिन आप इसे बिल्कुल लगातार चलाते रहना है, इसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि ये तले में बहुत जल्दी लग जाएगा। तो आप देख सकते हैं इस तरह से आप मलाई को इसी में मिलाते जाएं, जो भी किनारों पर मलाई जमती जा रही है उसे स्केच करते जाएं और इसी दूध में मिलाते जाएं। तो देखिए फ्रेंड्स, लगभग 10 मिनट मुझे इसे कुक करते हो चुका है स्लो फ्लेम पर, आप देख सकते हैं ये गाढ़ा होने लगा है। लगभग 10 मिनट इसे और लगेगा पकने में। तब मैंने यहाँ लिए 1/4 कप मलाई। तो फ्रेंड्स, मलाई लड्डू है तो मलाई तो इसमें डलेगी, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा इसमें। अगर आपके पास हो तो आप ज़रूर डालें, अगर नहीं हो तो आप 1 चम्मच इसमें घी डाल सकते हैं। तो मलाई डालकर हमें इसे अच्छे से मिक्स करना है। मलाई से हमारे जो लड्डू हैं उनके अंदर बहुत अच्छा क्रीमी टेक्सचर आएगा, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट ये लड्डू बनेंगे और टेस्ट में तो बहुत अच्छे बनेंगे ही। तो अगर आपके पास मलाई हो फ्रेंड्स, तो मलाई इसमें ज़रूर से ज़रूर ऐड करें, फ्रेश दूध की ये मलाई है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, लगभग 15 मिनट मुझे इसे कुक करते हुए हो चुका है। इस तरह से स्पैचुला की सहायता से आप इसे प्रेस करते हुए अच्छे से नीचे तक हिलाते हुए अच्छे से पकाएं। तो 15 मिनट में देख सकते हैं आप इतना गाढ़ा हो चुका है। अभी हमें इसे और सुखाना है। तो फ्रेंड्स, ये देखिए हमें इसे इस कंडीशन में लाना है कि हम इसके लड्डू बना सकें। तो ये देखिए फ्रेंड्स, लगभग 15 से 16 मिनट इसे पकाते हुए मुझे हो चुका है। अभी हमें इसे 5 मिनट और कुक करना है, इस तरह से कंटिन्यूसली आप हिलाते रहें। तो फ्रेंड्स, लगभग 17 से 18 मिनट मैंने इसे स्लो फ्लेम पर कुक किया है, आप देख सकते हैं ये लगभग पक चुका है। अब मैंने इसमें 1/4 टीस्पून भर के डाली है इलायची, लगभग 4 से 5 ये इलायची है जिनको मैंने क्रश करके इसमें डाला है। फ्रेश इलायची आप इसमें डालें तभी मलाई लड्डू का टेस्ट अच्छा आएगा। अगर आपको पसंद हो आप तो ज़रूर इसमें इलायची ऐड करें, नहीं तो आप इसे प्लेन भी रख सकते हैं, प्लेन भी ये लड्डू बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखिए अच्छे से इसमें
दूध अब्सॉर्ब हो चुका है, ये अच्छे से मिश्रण इकट्ठा हो चुका है। आप देख सकते हैं पैन भी ये छोड़ रहा है और सारा मिश्रण एक जगह इकट्ठा हो रहा है। इसका मतलब हमारा जो मिक्सर है वो लड्डू बनाने के लिए बिल्कुल तैयार है। इससे ज़्यादा हमें इसे कुक नहीं करना है, नहीं तो हमारे लड्डू हार्ड हो जाएंगे और मलाई लड्डू बिल्कुल सॉफ्ट रहते हैं। तो इस तरह से जब ये गाढ़ा हो जाए तो इसे इस तरह से छोड़ दें और इसकी गैस की फ्लेम को कर दें बंद। इसे हमें ज़्यादा कुक नहीं करना है, इतना ही हमें इसे कुक करना है। और इसे कढ़ाई में इसे लगातार चलाते हुए ठंडा कर लें, क्योंकि अभी कढ़ाई बहुत ज़्यादा गर्म है तो ये तले में लग जाएगा, फिर इसका टेस्ट बिल्कुल अच्छा नहीं आएगा। तो लगभग 5 से 10 मिनट हिलाते रहे इसी कढ़ाई में, इसे ठंडा कर लें। तो फ्रेंड्स ये लड्डू बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं, सुपर सॉफ्ट बनते हैं। आपने देखा बनाना कितना आसान है। तो इस गणेश चतुर्थी पर आप लड्डू से ज़रूर गणेश जी को भोग लगाएं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, लगभग 5 से 10 मिनट मैंने इसी कढ़ाई में इसे लगातार चलाते हुए ठंडा कर लिया है। अभी हमें इसे बिल्कुल ठंडा होने देना है, बिल्कुल ही आधे पौन घंटा इसमें ठंडा होने में लग जाएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, आधे घंटे बाद हमारा जो मिश्रण है बिल्कुल अच्छे से ठंडा हो चुका है। इस तरह से इसे प्रेस करते हुए बिल्कुल स्मूथ कर लें। हमें इसे चिकना करना है, इसे ज़्यादा स्मूथ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो छेने के जो दाने हैं वो मुँह में आएंगे लड्डू में, तभी वो टेस्टी लगेगा। तो इस तरह से आप हल्का हल्का इसे स्मूथ कर लें। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसे हल्का हल्का स्मूथ कर लिया है। इस तरह का ये मिश्रण हो चुका है, आप देख सकते हैं कितना अच्छा हमारा मिश्रण लग रहा है। अब हम इसके लड्डू बनाना शुरू करते हैं। तो लड्डू आप चाहें तो यहाँ बर्फ़ी भी इसकी जमा सकते हैं, और आप चाहें तो इसके छोटे बड़ों जैसे भी आपके हिसाब से आप इसके लड्डू बना सकते हैं। मैंने नींबू के बड़े नींबू के आकार की इसमें लोई ली है, मिश्रण लिया है और इसके मैं लड्डू बना रही हूँ हाथों की सहायता से। तो देख सकते हैं आप बहुत आसानी से ये लड्डू बन जाएंगे। तो फ्रेंड्स ये हार्ड बिल्कुल नहीं होते, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रहते हैं ये लड्डू। आप चाहें तो इसे 2 दिन तक भी अगर फ्रिज में रख कर खाएँगे तो 2 दिन तक भी ये लड्डू बिल्कुल सॉफ्ट रहेंगे। तो इस तरह से आप बिल्कुल अच्छे से इसे प्रेस करते हुए इसके लड्डू बना लें। फ्रेंड्स 2 दिन तक तो आपके लड्डू बिल्कुल नहीं रहेंगे, इतने ज़्यादा टेस्टी है कि तुरंत की तुरंत ये लड्डू ख़त्म हो जाएंगे। आपके घर में ये बच्चों से लेकर बड़ों को सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाले हैं। तो इस तरह से हम सभी लड्डू को बनाकर तैयार कर लेंगे। तो लगभग इतने मिश्रण से मेरे इस साइज़ के 9 लड्डू बने हैं, आप देख सकते हैं। अब मैंने लिया है बारीक कटा हुआ पिस्ता, पिस्ते से मैं इसे गार्निश कर रही हूँ। आप चाहें तो यहाँ बारीक कटे हुए बादाम भी ले सकते हैं, आप जो भी ड्राई फ्रूट इसमें डालना चाहें, जो भी ड्राई फ्रूट्स आप गार्निश करना चाहें वो उससे गार्निश कर सकते हैं, या फिर आप इसे प्लेन भी रख सकते हैं। ये लड्डू ऐसे भी खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, लड्डू तो हमारे बिल्कुल तैयार हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी भी लग रहे हैं। आप देख सकते हैं इनकी लुकिंग, इनका टेक्स्चर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। तो इस गणेश चतुर्थी पर आप इन लड्डू को ज़रूर से ज़रूर बनाएं। एक लड्डू मैं आपको इस तोड़कर भी बताती हूँ कि कितने ज़्यादा सॉफ्ट है ये लड्डू। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, बिल्कुल माउथ वाटरिंग ये लड्डू बनेंगे। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय।